मेकअप का मतलब ये नहीं कि आप शक्लें बदल दें, मेकअप का मतलब यही कि आपकी स्किन क्लियर हो, आप फ्रेश लगे, नीट लगे। अगर आपने मेकअप में अपनी शक्ल छुपा दी तो कोई फायदा नहीं है। और क्या? तो जितना आप कम मेकअप लगाएं उतना ज्यादा अच्छा है। आपका बेस का फाउंडेशन का जो सिलेक्शन है वो सही होना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं जी हम गर्मियों में मेकअप करते हैं वो पिघल जाता है या हम ज्यादा लगा लेते हैं। तो ज्यादा क्यों लगता है निधा, मैं बार बार लोगों को ये बताता हूँ, आपके काफी शोज मैंने आपके साथ किए और मैं काफी टाइम बाद अभी आया हूँ। सो क्या है कि अगर आप फाउंडेशन का नंबर सही सिलेक्ट करते हैं, बेस का नंबर सही सिलेक्ट करते हैं, तो कभी भी आपकी बेस ज्यादा नहीं लगेगी। जब बेस आपकी ज्यादा नहीं लगेगी तो आपका मेकअप भी नहीं उतरेगा, ना आपके मुंह पे लाइनें पड़ेंगे। जब आप बेस का नंबर गलत उठाएंगे, ऑफ कोर्स आपका रंग सांवला है, आप गोरी उठाएंगे, तो आप बैलेंस करने के चक्कर में यहाँ पे भी ज्यादा लगाएंगे, यहाँ भी ज्यादा लगाएंगे, यहाँ भी ज्यादा लगाएंगे और यहाँ भी ज्यादा लगाएंगे। अच्छा, अब मुझे आइडिया बताओ, जैसे हम तुम्हारे पास बेसिस है, और जो है ना, अब पहले हम नाज़रीन के पास चलते हैं, बिल्कुल उनसे पूछते हैं कि बताओ तुम्हारे मुंह पे कौन सी बेस सूट करेगी, फिर हम इन्हें एजुकेट करते हैं। बिल्कुल बहुत जरूरी, पहले हम इनसे पूछेंगे। बिल्कुल ठीक है, तुम्हारे पास जो भी बेस का वो पैलेट है मुझे एक मिनट दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ भाई, तुम लोग अपना मेकअप करते हो घर में खुद? तो चलो मुझे बताओ कौन कौन अपना मेकअप खुद करता है? पूरे घर वालों की मेकअप करने की भी जिम्मेदारी उसी के पास होती है। हाँ तुम करती हो? हाँ अच्छा, तो तुम जो हो कौन सी वाली बेस इस्तेमाल करती हो? एटीट्यूड। हाँ एटीट्यूड, ये एटीट्यूड नहीं है, वो एटीट्यूड है। अच्छा एटीट्यूड हम सब ने इस्तेमाल की है ना, वो क्या स्टिक वाली है या हमारे मुंह पे लगेगी? फिर हम काजल के ऊपर आएंगे, आईब्रो पेंसिल के ऊपर आएंगे, आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, हमारे पास बेसिस आ गए हैं। और मंगवाएंगे? अच्छा चलो और भी मंगवाएंगे, तो सारी बेसिस आ जाएंगी ना, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे, आप अपना नंबर सिलेक्ट करेंगे। कुछ बोल रही हूँ बेस के हवाले से ही। मैं बीबी क्रीम यूज करती हूँ। तुम बीबी क्रीम? सारी बच्चियाँ बीबी क्रीम यूज करी, अच्छा है। हाँ ठीक है, हाँ वो कम लगती है। बीबी क्रीम का भी शेड देखना पड़ता है। हाँ, अच्छा बीबी क्रीम में इतने शेड्स होते नहीं है, वो नॉर्मली होती है। हाँ, इतना उसमें शेड नहीं है। जो जिस कलर पे लगाते हैं उसी तरीके से। बीबी क्रीम क्या लाइट होती है? बेस लाइट होती है, वो हीट जो सन को प्रोटेक्ट करती है, मतलब की सन ब्लॉक भी होता है उसमें, उसमें फाउंडेशन भी होती है, उस तरीके से होती है ये, होती है वो आपकी स्किन को भी प्रोटेक्ट। बीबी क्रीम किस तरह की स्किन के लिए होती है? ड्राई, नॉर्मल, छोटी बच्चियों नॉर्मल, जो नॉर्मल नॉर्मल स्किन होती है, ड्राई पे भी आप लगा सकते हैं क्योंकि वो उसके अंदर मॉइस्चराइजर भी होता है। अच्छा ठीक है, डिपेंड कि आपकी स्किन टाइप क्या है। ठीक है, उसमें आपको दोनों तरीके की मिल जाती है। अच्छा गर्मी में वो जरा ग्रीसी वाली, हाँ तो उसमें आप मैट फिनिश वाली लें, मैट फिनिश वाली भी कंट्रोल वाले जो होती है उसमें आपकी मिलती है, ऑफ कोर्स मिलती है, बिल्कुल मिलती है, वो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल हाँ, किसी का बेस के हवाले से कोई सवाल है? बेस लगाने के हवाले से कोई सवाल है? क्योंकि मैं टोकूंगी, जिसने गलत बेस लगाई होगी वो फंस गया आज, वो फंस गया। हाँ कोई सवाल है तुम्हारा बेस के हवाले से? बेस के हवाले से ये है कि गर्मियों में निकलते हैं तो वो बेस अजीब हो जाती है, फटने लगती है और अजीब टाइप की हो जाती है कि चेहरा अजीब सा लगने लगता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे गर्मियों में जब हम बेस लगा रहे हैं हल्का फुल्का, किसी के मुँह पे होते हैं थोड़े से दाग धब्बे तो वो चाहता है छुपा ले। मैं तो नॉर्मली कोशिश करती हूँ मैं सन ब्लॉक लगा के निकलूं, मैं बेस नहीं लगाती अगर मैं गर्मियों में निकलती हूँ आउटडोर। तो क्या नीचे ऐसे बेस के लगाएं जो चीज़ आपको जो है ना वो बेस फटे ना, खराब ना हो, क्या कोई टिप है तुम्हारे पास? हाँ, गर्मियों में अगर जैसे मेकअप कर रहे हैं तो अगर आप ठंडे पानी से मुंह धो लेते हैं, थोड़ी सी कर लेते हैं, आइसिंग कर लेते हैं, रोज वाटर मार लेते हैं, हाँ। फिर क्या होता है वाटर बेस आप लगा लें तो वो फटती नहीं है। वाटर बेस है, वाटर बेस है, वो भी है। वाटर बेस से क्या होता है जब आप वो लगा लेते होते हैं, हाँ वो इतनी सारी चीजें जमा कर ली, पूरा शो खत्म हो जाएगा। ओके सो ये स्टिक्स है, ठीक है, ये लिक्विड फाउंडेशन है, देखिए ये स्टिक्स है हमारे पास, ये लिक्विड फाउंडेशन है और ये सारी चीजें हैं, ठीक है। So, तुम भी लाइयो, मिक्स ना हो जाए। हाँ, वो अलग रखना, वो अलग रखना। हाँ, 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 मिक्स ना हो जाए। So, अच्छा रुको एक मिनट, हम खोलेंगे ना ढक्कन के बगैर। हाँ, ये मैं बताना चाहता हूँ सारे। एक मिनट मुझे दे दो, ढक्कन वाली सारी है, इसके ढक्कन हम यहाँ रखते हैं। इसमें क्या है? 38। देखो ये सारी वो कलर्स है ना जो हमारी कॉम्प्लेक्शन पे जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये तीन कलर ये हो गए। हाँ, बस ये मुझे पता है शेड कौन सा। अच्छा एक गोरा रंग का कलर उठा लो वहाँ से, मैं गोरा था। क्योंकि हम आपको ये इसलिए दिखा रहे हैं, मैं खास तौर पे आज का प्रोग्राम ना आपकी हेल्प करने के लिए किया है,
क्योंकि हमें नहीं समझ आता, तो शायद हम मेकअप करें या नहीं, वैसे मेकअप करके भी दिखाएंगे, लेकिन आपको बताना ज़रूरी है। जब कोई बताएगा नहीं तो कैसे समझ आएगा हाँ ये गोरी बेस आ गई। ठीक है चलो, अब मैं आपसे पूछूंगी, आप चूज करें इन चारों में से आप जब दुकान जाएंगी कौन सी खरीदेंगी, अपने दिमाग से बताएं। ये वाली, अच्छा इन्होंने कहा ये वाली, जरा कैमरे में देखें, उस तरफ देखें, इन्होंने ये वाली कहा। ठीक है एक मिनट मैं जरा लगा के भी दिखा देती हूँ, यहाँ लगाऊंगी ताकि नजर आए। ठीक है अच्छा जी वाजिद, ये नंबर है F38। अब आप देख सकते हैं कि ये जो बेस मैंने लगाई, आपने अभी कोई मेकअप नहीं किया भैया, किया हुआ बस लिपस्टिक लगाई है, कोई बेस इन्होंने नहीं लगाया। सही हाँ, अच्छा 38 जो है ना इनके लिए थोड़ा सा लाइट है, अगर इसके अंदर 36 मिक्स करेंगे तो एक बीच की अच्छी सी एक ट्रेंड बन जाएगी ये है। अच्छा ये जरा ऐसे जैसे मैंने लगाया है उस तरह लगा के दिखाओ। ये देखें आप हाथ पे भी लगा सकते हैं, आप भी करें। नहीं हाथ का तो रंग डिफरेंट होता है ना, तो आप फेस पे भी देखें, ये देखें आप पता ही नहीं चलेगा कि आपने क्या लगाया है। ये दोनों मिक्स करोगे, ये मिक्स करेंगे तो बिल्कुल एक इनके अपने कॉम्प्लेक्शन करो करो मिक्स जरा ताकि। अच्छा यहाँ पे कर लो, हाँ यहाँ मुझे स्पंज ला के देना या ब्रश देना, फिंगर से नहीं कर सकते क्या? अच्छा ब्रश से, मुझे ब्रश जल्दी से, ब्रश जल्दी ला के दो। अच्छा वाजिद ने कहा कि जो इनकी कॉम्प्लेक्शन, जरूरी नहीं है कि जो नंबर आपको एक मिल रहा है, ठीक है ना, जो एक नंबर मिल रहा है आपको उसी को लेकर आपने अपने मुंह पे लगाना है। नहीं बजट है रुक जाए जब तक दूसरे का बजट आ जाए, बजाय खराब बेस लगाने के ना लगाएं। ये देखिए अब इन्होंने कहा कि दोनों को मिक्स करें, ये देखिए जब दोनों को मिक्स किया तो देखिए कैसा हो गया, स्मूथ एक इवन और थोड़ा सा डार्कर वाला ज्यादा, दोनों को बराबर मिक्स किया है, उठाई स्पंज से रहे दोनों बराबर ले रहे हैं, दोनों को बराबर बराबर और थोड़ा सा डार्कर वाला ज्यादा ले लें। अच्छा हाँ तो वो ज्यादा नेचुरल लगता है। अब आप देखिए कि ये लग भी रहा है कि एक साफ सी चीज हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि ग्रे हो गई है इनकी चीज, बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि इनके चेहरे पर जो इनका कॉम्प्लेक्शन है, अगर आपका कॉम्प्लेक्शन इन जैसा है तो इसमें क्राइलन स्टिक की 38 और 36 क्या होता है कि बहुत ज्यादा लोग अपने आप को डार्क नहीं करना चाहते हैं, हाँ, तो मैं मिक्सिंग इसलिए बताता हूँ, जब आप मिक्स कर लेते हैं तो एक बीच की ट्रेंड, बीच का एक टोन बन जाता है, अगर आप आपके चेहरे से एक शेड जो है लाइटर लाइटर हो जाता है, हाँ, और वो बीच का एक खूबसूरत शेड बन जाता है, हाँ, अगर आप डायरेक्ट 38 लगा लेते हो तो वो बहुत सफेद लगने लगता है। ठीक है।